तो देखो बेटा, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। ईएमआई एंड एसी। अल्टरनेटिंग करंट है, एसी का मतलब है ना। सो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बारे वैसे तो तुसी 10th क्लास के विच इलेक्ट्रिक करंट के बारे बेसिक इंफॉर्मेशन स्टडी की है ना। फिर आप जदों प्लस टू का सैकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट बारे असी डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन तो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, भी किसी हिस्से चो अगर नेट चार्ज फ्लो कर रहा तो असं कहने कि उत्थे करंट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आप उत्थे बेटा सेकेंड यूनिट च डिस्कस किया स्टेडी करंट बारे, मतलब वो करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं, वो है स्टेडी करंट। पर नाल ही बेटा उत्थे तुहानू दस्या सी बे दूसरा करंट है वेरिंग करंट, भी वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही बदलते हैं टाइम के नाल, वो वेरिंग करंट है। हुण जिहड़ा वेरिंग करंट है ना पुत्तर, इहनू भी फर्दर असी अगर दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड करके समझिए तो एक वेरिंग करंट हुंदा वा ट्रांजिएंट करंट, मतलब ये ट्रांजिएंट करंट वो वेरिंग करंट है जिहड़ा बड़े थोड़े टाइम दे लई एग्जिस्ट करता वा, पर उस थोड़े टाइम दे दौरान वो बदलता वा। जिदा आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि अगर साढ़े सामने एक सर्कट है जिदे विच कपैसिटर नू असी बैटरी दे नाल कनैक्ट करके चार्ज करना, तो जिदा ही असी कपैसिटर दे नाल बैटरी जोड़नी है, स्विच ऑन करना, तां उस कपैसिटर ने थोड़ी देर च ही चार्ज हो जाना, और वो थोड़ी देर दे विच कपैसिटर नू चार्ज करन दे लई जिहड़ा सर्कट च करंट फ्लो करना वो है वेरिंग करंट, ट्रांजिएंट करंट। और इहदा उलट भी अगर आपां किसी चार्ज कैपेसिटर नूं रजिस्टर दे नाल कनैक्ट कर दईए तां कैपेसिटर ने बिगिनस टू डिस्चार्ज, उन्हें डिस्चार्ज होना, और जदों कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा तां थोड़ी देर दे विच ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड ही उस कैपेसिटर दा सारा चार्ज खत्म हो जाना, वो फुली डिस्चार्ज हो जाना, और उस थोड़े टाइम के दौरान भी सर्किट च भी वेरिंग करंट फ्लो करना, वो भी ट्रांजिएंट करंट है। तो ये बारे आप डिटेल दे विच वो जो आरसी सर्किट सी उहदे च ही कीता सीगा, अदरवाइज इहनू लोड नहीं आपां नूं। बट वेरिंग करंट का एक होर आस्पेक्ट है अल्टरनेटिंग करंट, तो वो करंट
जिदे बारे आप इस यूनिट डिटेल च स्टडी करांगे, क्योंकि यूनिट के हैडिंग च भी आ रहा ना अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो हुण बेटा एक गल बड़ी क्लीयर है भी सर्कट के विच कोई भी करंट अगर एग्जिस्ट कर रहा, चाहे वह स्टैडी करंट है चाहे वह अल्टरनेटिंग करंट है, एक गल हमेशा याद रखनी है कि बिना विदाउट ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरा नाम, बिना ईएमएफ किसी भी सर्किट च इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट ईएमएफ, ठीक है। तो पर इहदा उलट किसी भी सर्किट च अगर करंट है तो इट मीनस उत्थे ईएमएफ जरूर है, मतलब उस सर्किट च कोई ना कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिथे ईएमएफ पैदा हो रहा। पर इहदा उलट अगर सर्किट च ईएमएफ है पैदा हो रहा तो जरूरी नहीं है करंट फ्लो करे। उहदा कारण बड़ा साफ है कि इलेक्ट्रिक करंट नू कैलकुलेट करन दा अगर आपां फार्मूला देखिए जो कि हुण तक आपां सिखिया आया वो है ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। तो हुण अगर मान लो थोड़े सामने सर्किट च ईएमएफ है बट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, तो किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कदों होंदी है? ओपन सर्किट। हुण देखो हुण आपां इत्थे कुछ स्विचेस ऑन किए हुए है ते कुछ ऑफ है। जेडे स्विचेस ऑफ है ना इत्थे उना वायर्स दे अंदर करंट है नहीं, पर उना वायर्स दे अंदर ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब वायर्स दे अंदर नहीं है, एक्चुअली वो सोर्स ऑफ ईएमएफ नाल कनेक्टेड है वायर्स। तो ये जड़ियां वायर्स है जड़ियां ऑफ है तो इन्हां दे नाल ईएमएफ जुड़िया होया है, बट करंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन सर्किट है ना। स्विच नू क्लोज करन दा मतलब सर्किट ओपन हो गया, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई, तो जदों आ इनफिनिटी है तो ईएमएफ ओवर इनफिनिटी आंसर जीरो आएगा। तो इस करके अगर मेरे सामने एक सर्किट है तो अगर उहदे च इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा इहदा मतलब ईएमएफ है, बट अगर ईएमएफ है ता जरूरी नहीं है सर्किट च करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हो सकता वा कि वो सर्किट ओपन सर्किट होए उहदी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो ये पॉइंट याद रख लेना, बेसिक पॉइंट है। हुण पुत्र जदों आपां ये सारी डिस्कशन नू समझ लिया कि एक ईएमएफ है एक करंट है, तो बिना ईएमएफ दे करंट नहीं हो सकता, बट करंट तो बिना सर्किट च ईएमएफ हो सकता वा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो सकती है। हुण जिहड़ी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इनू पैदा करन वाला जिहड़ा डिवाइस है उनू असी सोर्स ऑफ ईएमएफ कह दिंदे आ। और हुण तक बेटा तुसी ए जान चुके हैं या जानना चाहिदा, थानू पता होना चाहिदा कि अगर थानू कोई पूछे सोर्स ऑफ ईएमएफ तो थानू फटाफट आंसर देना पैना या चाहिदा कोई भी सेल बैटरी ये सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहती है ना। बट इस तो इलावा जनरेटर, जनरेटर भी सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो जदों जनरेटर ऑपरेटिव है तो ऑपरेट हो रहा वा चल रहा वा तो उस वक्त तो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और वो जनरेटर चाहे किसी घर के अंदर लगा हो या किसे कमर्शियल बिल्डिंग च लगा हुए ते या जनरेटर पावर प्लांट च लगा हुए। तो पावर प्लांट वो जगह जिथे आपां कह दिंदे आ बिजली पैदा हो रही, तो हर जगह ते मतलब जिहड़ी सानू घरां नू इंडस्ट्री नू ये सप्लाई आ रही है अल्टरनेटिंग करंट दी, इहदे पिछे जनरेटर्स दा ही काम है, समझेंगे। और वो जिन्ने भी जनरेटर्स है तो वो कितने इंस्टॉल है? पावर प्लांट्स। हुण जिद्दां
कई जगह आप कहने हैं कि ये हाइड्रो पावर प्लांट्स पानी नाल बिजली पैदा हो रही है, कई जगह पे कहने हैं भी ये थर्मल पावर प्लांट्स है कोले नाल बिजली पैदा हो रही है, ते न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इतने नहीं है पंजाब च, तो उत्थे न्यूक्लियर फिशन दे नाल बिजली पैदा हो रही है। बेसिकली इन्हां सारे दा फंडामेंटल कंसेप्ट की है, बेसिक कंसेप्ट पता की है, वो आप अगे चल के देखांगे कि ये जड़ा EMI लिखा ना नाम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जड़ा इफेक्ट है ये बेसिकली की है बेसिक ऑफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, तो जनरेटर का प्रिंसिपल है, या आप आगे जाके चला समझांगे। तो हुण पुत्र जे आपां जनरेटर बारे कोई बेसिक आइडिया लेना होए तब जनरेटर दे अंदर एक है क्वायल ते एक है मैग्नेटिक फील्ड, ते जनरेटर दे अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड आया कितों है कि एक्चुअली उस हर जनरेटर दे अंदर दो पोल पीसीज है, नॉर्थ साउथ पोल्स, तो उन्होंने फिक्स किया होया, और इदा फिक्स किया होया कि उन्होंने दो पोल्स दे विच जिहड़ी स्पेस है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा, और उस मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर असी कॉयल नू सेट किया होया, और जदों आपां मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर कॉयल नू घुमाने हैं तां EMF पैदा हुंदा। हुण जिदा मैं गल दसी सी कि कॉयल नू घुमाण ते EMF पैदा होना, तो कॉयल नू घुमाण दा तरीका जे आपां घर वाले कमर्शियल साइट बैंक दे बाहर लगे जनरेटर नू देखिए तां ओह उन्हां दे अंदर कॉयल नू घुमाण लई की कीता जांदा, एक इंजन मोटर यूज कीती जांदी है, तो उहदे च पेट्रोल या डीजल पा के उस मोटर नू चलाया जांदा, तो वो मोटर जदों घूमदी है तां ओह कॉयल नू घुमाउंदी है, तो उहदे च EMF पैदा हुंदा। बट उसी जनरेटर दी कॉयल नू घुमाउण लई जे आपां पानी यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स, जिदा आप पहुंच गए भाखड़ा डैम, तो उत्थे की हो रहा कि जेड़ा उन्होंने डैम दे विच पानी नू स्टोर किया होया उस पानी नू एक लेवल तो टरबाइन्स दे उपर सुटिया जाता है, वो टरबाइन्स जुड़िया हुई वा कॉयल दे नाल, तो जदों वो पानी उन्होंने टरबाइन से आके डिगदा वा तो टरबाइन्स नू घुमांदा वा, तो उहदे नाल कॉयल घूमती है तो EMF पैदा होंगे। जदों असी पहुंच जाने थर्मल पावर प्लांट च, बिजली वगैरह होती है डैम वगैरह भी ऐसा होता है। उदी गल दस रहे हैं, पावर प्लांट पावर इलेक्ट्रिक पावर बिजली है, तो हुण जिथे आप अगर पहुंच जाइए थर्मल पावर प्लांट च है ना, उत्थे कहने कोले तो बिजली पैदा हो रही, बेसिकली की हो रहा कोले नू बाल के पानी नू स्टीम बनाया जाता, और स्टीम ज्यादा पावरफुल हुंदी है, उहदे को ज्यादा एनर्जी है, तो उस स्टीम दी हेल्प दे नाल टरबाइन्स नू घुमाया जाता है, मतलब जिहड़ा थर्मल पावर प्लांट है उत्थे स्टीम नू वरत्या जाता वा कॉयल नू घुमाण लई, पर वो स्टीम बननी कित्थों है, पानी नू बॉयल करके, ते पानी नू बॉयल करन लई कोला बालिया जाता, ते जे कोला हटा के न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है जिहदे च असीं एनर्जी पैदा होंदी है ना, एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है, तो अगर न्यूक्लियर फिशन तो पैदा हुई एनर्जी दे नाल असी पानी नू बॉयल करके स्टीम बना के उहदे नाल टरबाइन चला दईए तो असी कह दिंदे आ वी इह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो चलानी है असी कॉयल ही है घुमानी है ना, तरीका अलग अलग है, तो उहदे बारे आपां गल करांगे। तो हुण ये जो कंसेप्ट है कि बिजली नू किदां पैदा करना है ना, एक तां सेल तो पैदा होनी है सेल बैटरी, तो उहदे अंदर जिहड़ा EMF पैदा हो रहा वो केमिकल रिएक्शन तो आ रहा, बट इत्थे जिहड़ा EMF आ रहा तो उहदे बारे हुण आपां गल करन लगे हां पुत्तर, तां इस गल नू समझण लई सब तो पहला आपां एक टर्म बारे पढ़ना वा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स,
फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट बिल्कुल फर्स्ट यूनिट च पढ़े गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ग ही है कि फ्लक्स टर्म का कंसर्न फील्ड के अंदर रखे गए सरफेस नाल है, ठीक है। और उदा बेसिक फंडा की हुंदा कि जिदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का संबंध मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी बॉडी के सरफेस नाल है। मैं दसदा पुत सेम कंसैप्ट है, गल नूं आपां कित्थों पकड़ना पुत। देखो ध्यान दे पुत, हुण मैं वह गल समझाना तुहानू। एक्चुअली जदों असीं कहने हैं ना कि मैगनैटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर, तो जो आप डॉट प्रोडक्ट लेना ना तो एक तो जिहड़ा एरिया वैक्टर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब भी एरिया वैक्टर उस सरफेस का होना चाहिए, हम गल सुनी हो डिटेल, जिहड़ा सरफेस प्लेन है। जिहड़ा प्लेन सरफेस होंदा ना उदे उपर हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन सेम होंदी है, उन्हों यूनिफॉर्म एरिया वैक्टर कहने है। तो जदों गल सुन लो पुत, तो जदों मैगनैटिक फ्लक्स जिहड़ी मैं डिस्कशन मैगनैटिक फ्लक्स बोल के कर रहा उही इलैक्ट्रिक फ्लक्स का सेम कंसैप्ट है। तो गल नूं समझना किदां वा कि एक्चुअली मैगनैटिक फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वैक्टर, पर इस फार्मूला च एरिया वैक्टर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब प्लेन सरफेस, तो मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी भी उस सरफेस के उपर हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, ठीक है। हुण हुंदा की है, देखो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता, प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया सरफेस प्लेन भी हो सकता, कर्व्ड भी हो सकता, पूरा सरफेस ओवरऑल। पर एक गल बड़ी क्लियर है, वो ये बेटा कि एक कंसैप्ट है जिन्हों असी कहने हैं एलीमेंट कंसैप्ट, भी असी ना हर चीज न मान लेने हैं कि वो छोटे 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 एलीमेंट्स की बनी हुई। हुण जे मान लो वायर है ना, तो आपां मन्नांगे वो छोटे छोटे लाइन एलीमेंट्स की बनी हुई, मतलब वायर का वायर एक लाइन है ना, तो उसका छोटा हिस्सा लाइन एलीमेंट। जे आपां सरफेस की गल करते हैं तो वह सरफेस एलीमेंट्स का बनिया। तो ये जिहड़े एलीमेंट्स है ना ये इन्ने ज़्यादा छोटे होंगे है थ्रेटिकली कि जे ये लाइन एलीमेंट है, जे ये लाइन एलीमेंट है तो यह स्ट्रेट वायर होएगी, छोटा जहा हिस्सा स्ट्रेट होएगा, तो जे ये सरफेस एलीमेंट है तो यह प्लेन होएगा। की होएगा? प्लेन। तो अगर बेटा मेरे सामने एक मैं जनरल डिस्कशन कर रहा जिदा आप उत्थे कीती सी, मान लो आ थोड़े को एक कर्व्ड कर्व्ड सरफेस है। हुण ये जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है अगर ये मैगनैटिक फील्ड च प्लेसड है तो इहदे नाल जुड़िया मैगनैटिक फ्लक्स इदा सिंपल फार्मूला तो नहीं कैलकुलेट होएगा। उहदे लई की करना पैना, आपां नूं मनना पैना कि ये कर्व्ड सरफेस कहदा बनिया होया, स्मॉल एलीमेंट्स का, एरिया एलीमेंट्स का। तो उन्होंने आप भी ये एरिया एलीमेंट हाईलाइट कर देना, जिथे मर्जी जिथे भी तुम एरिया एलीमेंट हाइट कर हाईलाइट करना, उस वो एरिया एलीमेंट प्लेन होना पुत, ठीक है। हुण ये जड़ा क्योंकि समॉल एरिया एलीमेंट हमेशा प्लेन होना, तो यदा मैगनैट यदा एरिया वैक्टर
ये परपेंडिकुलर होना, और किधर नू होना, ये नॉर्मल तो होना ही होना, प्लस ए छोटा होन करके एदा एरिया वैक्टर डी ए लिखना या डी एस लिख देने। अच्छा हुन दूसरा, ए एरिया एलिमेंट इन्ना छोटा वा कि आप मान लेना कि इस एरिया एलिमेंट जिनी जगह ते वो फैलिया होया, हर पॉइंट ते उस जगह दे ऊपर हर पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है ना। तो आप सब तो पहला इस दे नाल की कैलकुलेट करना फ्लक्स कितना आना, बी डॉट डी ए। तो जे आप पूरे सरफेस का फ्लक्स कटना तो इन इंटीग्रेट कर देना, ठीक है करता। हम गल सुनियो पुत, इंटीग्रेशन दे लई दो लाइना क्यों साइन लिया गया, सरफेस इंटीग्रेशन है ये दसिया होया। अच्छा अगर थोड़ा सरफेस ओपन है तो दो लाइना कलिया, तो जे क्लोज्ड है तो ठीक है पुत। पर आप फिजिक्स दे विच गॉज ला पढ़िया ना थर्ड यूनिट, तो गॉज ला कहिंदा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होगा, मतलब आ वाली स्टेटमेंट तो हमेशा जीरो ही रहनी है, तो एदी ज्यादा लोड पैनी है अपन। हुण अगली गल सुनियो पहला देख लो कुछ, हुण आ वाली कंडीशन इथों आ कंडीशन आनी है, मतलब आ वाला जिहड़ा फार्मूला फ्लक्स का लिखिया ना ये असी ये मान के चल रहे हैं कि असी इस फार्मूला दे विच जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया इत्थे ओ पूरा सरफेस प्लेन है, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड च लाई कर रहा वो यूनिफॉर्म है, तो उत्थे फिर आप सीधा ये रिजल्ट भी यूज कर सकते है ना। तो देखो इत्थे बना दिना थोनू मैं रिजल्ट, हुण ये जनरल फ्लक्स कढ़न का तरीका वा, तो जे थोड़ा मैगनैटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप बी डॉट नू कॉमन कढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन तो कॉन्सटेंट चीज बाहर आ जाती है, तो हाँ बन गया। तो जे थोड़ा सरफेस प्लेन है ना, प्लेन प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस के लिए आ टर्म जी है वो टोटल एरिया वैक्टर बन जाता, मतलब बी डॉट ए। इस करके हाँ जिहड़ा कंसैप्ट मैं लिखिया ये आपां फिजिक्स दे विच न्यूमेरिकल यूज करना, इस करके नू मैं डायरेक्टली लिखता सी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की हुंदा वा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वैक्टर, तो जदों आपां टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस फार्मूला तो लिखते हैं पुत, तो इहदा मतलब दिमाग च मान के चलो भी ये फ्लक्स किहदे नाल जुड़िया होया, प्लेन सरफेस दे नाल, और वो प्लेन सरफेस किथे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च। और आपां इसनू डॉट प्रोडक्ट है ना, जिहड़ा डॉट प्रोडक्ट है ओनू जदों आपां हेलो हेलो सर, आप घर पर ही हो? हाँ हाँ बेटा क्लास में हूँ। सर मैं आपके पास आ रहा था। अच्छा अच्छा आ जा कोई बात नहीं। समझ आई है पुतगल? हुण देखो जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है चाहे वह दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो आया, पर वो आप खुद स्केलर है, दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट तो पैदा होने वाली टर्म नू की कहने हैं स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर क्वांटिटी। पर एक गल हमेशा याद रखनी है, जिहड़ी भी टर्म जिहड़ी भी क्वांटिटी दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट तो पैदा हुई उन्हें होना तो स्केलर है, पर वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। क्यों?
क्योंकि वो डिपेंड करता वा कॉस थीटा की वैल्यू पर, भी जेडे दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा अगर उन्होंने एंगल एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो, जे 90 डिग्री है तो जीरो हो, तो जे ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव हो। इस करके मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती। ठीक होगी गल। हुन जदों पुत्र आपां गल करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स दी, तां जिहड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इहदा SI यूनिट है वेबर। वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा हुणा देखियो पुत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, तो इहदा SI यूनिट वेबर है, इहदा टेस्ला वा, इहदा स्क्वेयर मीटर है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला स्क्वेयर मीटर। तो इहदा कई बारी ना तुसी न्यूमेरिकल च भी देखिया होएगा, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी इहदा नाम है, उहदा यूनिट है। तो कई जगह ते ना टेस्ला दी जगह ते उन्हें 1 वेबर पर स्क्वेयर मीटर यूज किया होंगे। मतलब बी द SI यूनिट वैसे तो टेस्ला वा, पर वेबर पर स्क्वेयर मीटर भी यूज किया जा सकता। अच्छा फिर दूसरी गल तुसी देखो, शायद याद होए जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ना बी, तो बी नू असी कह दिंदे आ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या असी इनू कह दिंदे आ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ते या कह दिंदे आ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी नू। वो क्यों कह दिंदे आ इनू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि जेड़ा बी है ना वो है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इस करके इनू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह दिंदे आ। बी का नाम लिखिया सीगा तो आज पता लग जाना चाहिए क्यों कहने इनू फ्लक्स डेंसिटी। समझ आई गल, क्योंकि तो ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है ना। ठीक है, हम देखो भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बारे आइडिया हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कितना होना मैथमेटिकली, मैग्नेटिक फ्लक्स टर्म का कंसर्न के नाल है सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो गल्ला याद हो गई। अच्छा हूँ बेटा, हुण आपां फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, पहले यूनिट ना आप पढ़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं पढ़िया सी, वो अलग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये डिफरेंट है। हूं बेटा जो फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, तो वो प्रैक्टिकल वो एक्सपेरिमेंट
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਸਕੁਏਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ EMF ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੜਾ ਉੱਤਰ ਜਾਊ। ਆ ਵੇ ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਪਈ, ਟੇਢੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ, ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ। ਤੋ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ, 6 ਘੰਟੇ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਔਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੇਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਔਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨੀਡਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਕਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਪ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਦਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰੰਟ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਇਲ ਤੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਗਨੇਟ ਔਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਔਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੂੰ,
जब तक क्वाइल ते मैग्नेट दे विच डिस्टेंस चेंज हो रहा हो। इदा मतलब जे मैनू कोई पूछे इन्नी डिस्कशन तो बाद कि इस क्वाइल दे विच ईएमएफ दे पैदा होने का कारण की है, तो तुसी की कहोगे? बार मैग्नेट ते क्वाइल दे विच डिस्टेंस दा चेंज होना वो कारण है। और अगर मैं कहूँ कितनी देर तक ये ईएमएफ पैदा होता रहेगा, जितनी देर तक वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, एक रिजल्ट निकल आया जिहड़ा एक आम आदमी बाहरों देख के समझदा वा, तो वो आपा दिमाग च नोट कर सकते हैं, कर लिया। हुण पुत्तर जिहड़ा अगला पॉइंट है वो की है कि आपां एक होर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट है कि आ वाली जिहड़ी कॉयल है, आ वाली आ वाली कॉयल आया गलवेनोमीटर नाल जुड़ी हुई, और दूजा कड़ा उतारो आ देखो, एक होर कॉयल ले ली आप आ वाली। हुण ये जिहड़ी कॉयल है ना आ वाली दूसरी, ये भी कंडक्टिंग कॉयल ही है, पर इनू ना आपा पुत्र बैटरी नाल जोड़ता, नाल लगाता की। हुण आ जिहड़ियां दो कॉयल्स है ये एक्चुअली कितना प्लेस्ड है, इदां मतलब इन्हां दे फेसेस एक दूजे दे पैरलल इधर रख देनी है, इन्हां दी सेटिंग इदां करनी है। तो आ गलवेनोमीटर नाल जुड़ी है और आ कादे नाल जुड़ी है, बैटरी नाल, ते नाल स्विच लगा की, और की ओपन है, हाले की ओपन है। अच्छा हुण पता की करना, तुसी की चकनी है या स्विच लगा वा, तो स्विच नूं ऑन कर देना। जिद्दां ही स्विच ऑन कीता, स्विच ऑन कीता तां तुसी इधर ध्यान देना, इधरों मैं स्विच ऑन कीता मतलब की इंसर्ट कीती कह लो, तो या कह लो सर्किट मेक कीता बनाता, तां जिद्दां ही स्विच ऑन कीता ना, उस मूमेंट दे उस वक्त इस गलवेनोमीटर दी जिहड़ी नीडल है उन्हें एक सडन जर्क झटके नाल डिफ्लेक्शन शो करके फिर वापस जीरो हो जाना। मतलब की होया कि जदों आपा स्विच ऑन कीता इहदा या की इंसर्ट कीती या सर्किट पूरा कीता कंप्लीट कीता, तां उस मूमेंट लई उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे लई गलवेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कीती, मतलब सर्किट च की पैदा होया थोड़े टाइम लई करंट, मतलब उस थोड़े टाइम लई की पैदा होया ईएमएफ, पर वो हो ही नहीं रहा, वो नाल दी नाल खत्म हो जाना। हाँ बेटा, ओके बेटा।